नमस्ते, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 6, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोमा। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। यस, ओके स्टूडेंट, सो प्लीज ओपन योर ग्रामर, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 15, दिस वन, राइट? ओके, सो चिल्ड्रन, अवर न्यू चैप्टर इज पंक्चुएशन, राइट? तो आज हम पंक्चुएशन के बारे में सीखेंगे, राइट? तो मोस्ट ऑफ आपने पहले का जो चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 5, उसमें हमें पंक्चुएशन कैपिटल लेटर्स के बारे में सीखा था, राइट? व्हेन वी आर पुटिंग कैपिटल लेटर्स, व्हेन वी यूज, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, राइट? ये सब हमने चैप्टर नंबर 5 इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये सीखा था। नाउ समथिंग न्यू अबाउट द पंक्चुएशन, राइट? तो आज हमें पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कोमा के बारे में सीखना है, राइट? और आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब भी हमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बारे में तो पता ही था। तो यहाँ पे आपके लिए एक न्यू टॉपिक, एक कोमा है, राइट? तो कोमा हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, राइट? एंड तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश, राइट? तो कोई भी लैंग्वेज हो, राइट, आप कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे तो आपने देखा होगा गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तो ज्यादातर आप जैसे भी रीड करोगे वहां पे आपने पंक्चुएशन मार्क देखे होंगे, राइट? फुल स्टॉप देखा होगा, क्वेश्चन मार्क देखा होगा, या फिर कोमा देखा होगा, एक्सप्लेनेशन देखा होगा। तो ये सारे मार्क का मतलब क्या है, क्या कोई बताएगा मुझे? हाँ, तो आज हमें यही तो सीखना है कि ये जो सारे मार्क्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, हम कैसे यूज करते हैं इन अवर रियल लाइफ में भी। अब रूटीन लाइफ में भी कोमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स और ये सारे हम हमारी लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं, डू यू नो? हाँ, सच्ची में हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है। यस, तो चलो आज हम क्या करना है, हमें तो सीखना है, राइट? ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पैराग्राफ रिटन रखा है। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से मैं आपको 2 सेकेंड्स देती हूँ, जल्दी से एक बार रीड कर लो, फिर हम साथ में रीड करेंगे। ओके, चलो जल्दी से रीड करो, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, चलो अभी हम साथ में रीड करते हैं, राइट? ओके, तो मैं जैसे रीड करती जाती हूँ वैसे आपको मेरे साथ आफ्टर मी आपको रीड करना है। ओके, सो हियर इज द शॉर्ट पैराग्राफ, बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ है। ओके, देयर वॉज वंस अ बॉय कॉल्ड जैक, वॉज हु वॉज ब्रेव एंड क्विक, ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ स्मॉल कॉटेज एंड देयर मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन वॉज हियर कब मिल्की वाई, बट द डे केम व्हेन मिल्की वाई गेव हिम नो मिल्क एंड जैक्स मदर से शी मस्ट बी सॉरी। कैसा रीड करिए, फास्ट फास्ट विदाउट एनी स्टॉप, लगाना ऐसा कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया ना, सच्ची में नहीं आया होगा। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं पे भी मेरी गाड़ी स्टॉप ही नहीं की, मैं तो ऐसे ही रीड करती गई, रीड करती गई, रीड करती गई। देखा आपने, कभी भी मैंने आपने देखा एक लाइन के बाद मैंने स्टॉप किया या फिर वन वर्ड के बाद स्टॉप किया, ऐसा कुछ आपको रियलाइज हुआ कि मैडम क्या ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करके चलते जा रहे हैं? लगा ना ऐसा? हाँ, ऐसा ही तो लगता है, सच्ची बात है, कुछ समझ में आता नहीं है। एक आपने नोटिस किया कुछ भी इस पैराग्राफ में कहीं पे भी कोमा, इनवर्टेड कोमा, फिर क्या कहते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, नो मार्क्स इन दिस पैराग्राफ। देखा, कहीं पे भी कुछ है नहीं है, इसीलिए मैंने मेरी रीडिंग की गाड़ी स्टॉप ही नहीं की, ऐसे ही इधर उधर रीड करके गई, गाड़ी आई आई और चली गई चली गई। होगा ना ऐसा, सच्ची में रियलाइज हुआ ना ऐसा, कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? अभी 2 मिनट आप वेट करो, मैं एक जल्दी से क्विक आपको एक चीज बताती हूँ। तो जैसे बाद में हम वापस ऐसा रीड करेंगे ना, तब देखेंगे। तो
चलो अब फिर से रीड करते हैं. देयर वॉज अ वंस अ बॉय कॉल्ड जैक. जैक हु वॉज ब्रेव एंड क्विक विटेड. ही लिव्ड विद हिज मदर इन स्मॉल कॉटेज एंड देयर मोस्ट वैल्यूएबल पोजिशन वॉज देयर काउ मिल्की व्हाइट. But the day came when Milky White gave him no milk, and Jack's mother said she must be soiled. तो देखा बच्चों, हमें जहां जहां पे कोमा एक फुल स्टॉप आया वहां वहां हमने स्टॉप किया, राइट. इट मीन्स दिस ऑल मार्क्स, राइट. ये जो सारे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और कोमा होते हैं वो हमें वैल्यूज दिखाते हैं, हमें सेंटेंस कैसे रीड करना है, राइट. जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, तो पंक्चुएशन मार्क्स विद द जो हमें लिखते हैं, राइट, तो पंक्चुएशन मार्क्स के कारण हम जो रीडिंग होता है वो हमारा अच्छा हो जाता है और सामने वाले को समझ में आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, राइट. ओके, सो चिल्ड्रन व्हेन वी एंड द सेंटेंस विद द फुल स्टॉप, अब जब हम फुल स्टॉप के साथ हम एंड करते हैं इट मीन्स वहां पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, राइट. एंड व्हेन यू एंड द सेंटेंस विद द क्वेश्चन मार्क, आप जब क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन मार्क से आपका क्वेश्चन दिखता है. यू कैन शो योर क्वेश्चन विद द क्वेश्चन मार्क और सामने वाले को इट मीन्स तो जो आपको जिसको आप बात कर रहे हो वो आसानी से समझ सकते हैं कि यस ही और शी इज आस्किंग द क्वेश्चन, तो आपको सामने रिप्लाई में उसको आंसर आपको मिल सकता है, राइट. ओके, द स्पेशल थिंग अबाउट द कोमा, राइट, मैं आपको बताना चाहूंगी. फर्स्ट थिंग आपने फर्स्ट फुल स्टॉप एट द एंड, ओके, एंड में आप क्या यूज करते हो, फुल स्टॉप, ओके. देन क्वेश्चन मार्क आप कहां पे यूज करते हो, क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन जब आप करते हो, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, आप कभी भी क्वेश्चन करोगे, राइट, यू वांट समथिंग रिप्लाई, आंसर आपको कुछ चाहिए तो आप क्वेश्चन करते हो, राइट. अब आप कहोगे कि मैडम हम कोमा कहां पे यूज करते हैं, राइट, तो कोमा हम जहां पे यूज करते हैं दैट इज द मोस्ट थिंग, राइट. कोमा पहले तो हम ऐसे राइट करते हैं, राइट, दिस इज द कोमा साइन, ये कोमा की साइन है, ओके. तो कोमा हम कहां पे यूज करते हैं, व्हेन आप एक लाइन, आप कोई भी एक थिंग, राइट, यानी कि आप ऐसे कहोगे कि मुझे एप्पल पसंद है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, राइट. इट मीन्स द सेम, इट इज द इन ऑर्डर ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि आपको एक फ्रूट्स की लाइन आपने बोली कि मुझे ये पसंद है. द सेम थिंग यू वॉन्ट टू सेपरेट, जब आपको उसको सेपरेट करते जाना है तो आप क्या लगाओगे, एक वर्ड, एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा फिर मैंगो कोमा एट द एंड. मैंगो के बाद आपको कोई भी एक वाटरमेलन है तो मैंगो एंड वाटरमेलन. द कोमा इज नॉट यूज आफ्टर एंड, हम एंड के बाद कोमा नहीं यूज करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ दैट कोमा, ये कोमा का रूल है, राइट. एंड आता है तो कोमा नहीं आता है, इज इट क्लियर, ओके. तो जब आप कोई थिंग को सेपरेट करना चाहते हो तब हम कोमा यूज करते हैं, इज इट क्लियर, ओके. नाउ जस्ट अ मिनट, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. व्हेन मैनी नेम प्लेस और थिंग और रिटन टूगेदर दे आर सेपरेटेड बाई कोमा, ओके. कोई भी थिंग्स के नेम है या फिर कुछ भी साथ में लिखा हुआ है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा करते जाते हैं वन वन वर्ड के बाद, तभी वो सेंटेंस में वो सेपरेट हो जाते हैं. जैसे कि मैं आपको पूछूंगी हु इज योर फ्रेंड, हु आर योर फ्रेंड, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स आपके, तो आप कह सकते हो शीना, रोहित, परी, शुभम, राइट, दर्शन, दर्पण, तो कितने नेम्स हुए, टोटल देयर आर सिक्स नेम्स. अभी आपने सब साथ में लिख दिए, चलो देखते हैं, ओके. यहाँ पे आप देखो, अभी आपके फ्रेंड्स के नाम लिख रही हूं, क्या आपको समझ में आता है, परी,
सोनू, मोनू, मोहित, अंश, रोनी। अभी देखा क्या कुछ समझ में आया है? परी, सोनू, मोनू, मोहित, अंश, रोहित, रोनी। अभी मैं इसको ही, ये जो सारे नेम्स हैं आपके फ्रेंड्स के नेम हैं, मैंने इसको सेपरेट करना है, तो कैसे करूंगी? माय फ्रेंड्स आर परी, सोनू, मोनू, मोहित। अब यहां पे मैं लिखूंगी एंड बिकॉज रोनित इज द लास्ट, ओके, अंश एंड रोनित, देन कुछ कंप्लीट। इतने मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट? तो देखा आपने, पहले मैंने ऐसे ही फ्रेंड्स के नेम लिख दिए, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। कितना चेंज हुआ? हुआ ना? समझ में भी आया ना? यस बेटा, यही तो चीज है कोमा की। तो कोमा लगाने से हर एक वर्ड सेपरेट हो जाता है और क्लियर समझ में आता है, राइट? ओके, सो हियर अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कोमा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यस, वी हैव टू डू अवर एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। प्लीज ओपन योर ग्रामर एंड बी रेडी। ओके, चलो पेंसिल निकालो जल्दी से। चलो अब हम एक्सरसाइज लिखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज ए। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द हेडिंग ऑफ इट, राइट? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, राइट? हमें पहले तो क्या करना है? यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस। इट मींस यहां पे आपको ऑलरेडी सेंटेंसेस दिए गए हैं, there are already sentences, just you have to do some changes, right? It means you have to change capital letter, जहाँ पे capital letter की जरूरत है वहाँ पे आपको capital letter write करना है, and then second thing you have to put the correct punctuation mark. It means जहाँ पे full stop की जरूरत है आपको full stop लगाना है, जहाँ पे question mark की जरूरत है वहाँ पे आपको question mark लगाना है, right? Is it clear? Okay, so children, now let's start our exercise A. The first one is, where are you going at the weekend, right? The first change is kahan pe aayega bachcho? Yahan pe, first letter of the beginning of the sentence, right? Jab aap beginning pe koi bhi sentence write karte ho to aap first letter kya likhte ho? Capital, right? Okay, to first change yahan pe aayega, W-H-E-R-E, where, okay? It means humne pehla change kar diya. That you have to put in your mind. That is the question word, right? Where, which, how, what? These all are question word, right? So, यहाँ पे question word है. It means this is the question, right? तो हमें last में क्या आएगा? Question mark आएगा. Okay? तो यहाँ पे where, are, as it is. Where are you going? G-O. नेम है, राइट? तो हमें अजंता का ए कैपिटल,
my best friends and will stop, right? Because this is the simple sentence, right? Is it clear? Now next sentence is Mr. Archer is the new head teacher. The first change will be given here. Mr. come in capital. Mr. Archer. It is the name. A capital Archer is the new head teacher. Full stop. Yes, very good. तो यहाँ पे हमने four sentences complete किए. We had rewrite them. हमने rewrite बहुत अच्छे से किया. जहाँ पे full stop की जरूरत थी, वहाँ पे हमने full stop लगाया. जहाँ पे comma की जरूरत थी, वहाँ पे हमने comma use किया. और हमने rewrite sentences कर लिया, right? Is it clear? So children, now you have to do number 5, 6, 7, 8, right? You have to practice it. Okay. Now students, let's start our exercise B. Let's say, right? So please open page number 16. Now heading is match each question with the correct answer. Rewrite below and adding capital letter, full stop and question marks, right? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस है और सामने आंसर्स है, राइट? हियर यू कैन से यहाँ पे क्वेश्चंस और यहाँ पे आंसर्स है. आपको मैच इट करके जाना है विच इज द करेक्ट वन एंड देन यू हैव टू री राइट द सेंटेंस डम हियर. यहाँ पे सेंटेंस राइट डाउन करना है, राइट? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट चेंजेस क्या करना है, जहां जहां पे आपको यू नीड द क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा एंड कैपिटल लेटर्स यू हैव टू पुट इन द सेंटेंस, राइट? एंड देन यू हैव टू री राइट देम. फिर आपको चेंजेस करके यहाँ पे री राइट करना है, राइट चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, दिस विल बी योर होमवर्क एक्सरसाइज ए 5, 6, 7, 8. दैट विल बी फॉर प्रैक्टिस फॉर यू. एंड देन एक्सरसाइज बी यू हैव टू कम्प्लीट फॉर एक्सरसाइज. यस, एक्सरसाइज यानी कि आपको ज्यादा जल्दी से आ जाएगा, राइट? हमें बहुत अच्छे से आता है, राइट? इज इट क्लियर? सो दिस यू हैव टू डू एट योर होमवर्क, राइट? एक्सरसाइज बी. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस फोर सेंटेंस यू हैव टू कंप्लीट इन योर ग्रामर. सो प्लीज फिल अप इट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कोमा, आवर पंक्चुएशन मार्क्स, राइट? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.